क्या देख रहे हो? क्यों? चलो अंदर। अंदर? अरे अब तो भैया ने भी हाँ कर दी, चलो अंदर। हमसे पूछे बगैर? चलो। अरे अरे आज तो कमाल हो गया, दोनों टाइम से पहले आ गए। लेकिन आप लोग ने ये कपड़े क्यों पहने हुए? अरे कपड़े कपड़े कपड़े, जैसे देखो कपड़े के पीछे पड़ा हुआ है, नंगे तो नहीं खड़े हम लोग? पहने हैं यही कम है। अरे बस बस फड़कते क्यों? लगता है किसी मुजरिम ने आपका मूड खराब कर दिया है। मेरा हार कहाँ है? ये लो। मैं अभी पहन के आई। कहाँ भैया? कैसा लग रहा है भैया? भैया बोल रही है, दिखा भी रही है, बताओ। अच्छा है तो अच्छा ही लगेगा, और क्या। ये आप कैसे बोल रहे हैं? मुंह से बोल रहे हैं। अरे क्या मजाक है, अब तक तो सिर्फ गांव के कपड़े पहने हुए थे, अब गांव की बोली भी शुरू कर दी। अरे बोली पसंद नहीं है, कपड़ा पसंद नहीं है, हमें आपकी ये जगह पसंद नहीं है, हम जा रहे हैं। अरे रे रे, केक तो खा के जाइए। केक? अरे यहाँ छुरी तो है नहीं। हाँ मैं भी लाई। अरे ठहरी ठहरी, क्या चाहिए? छुरी चाहिए, हम दे देते हैं, ये लीजिए। अरे बेटी ये छुरा कब से रखने लगे? रखना पड़ता है, काम जो खतरनाक करते हैं। मगर इतना बड़ा तो काम भी तो बड़ा करते हैं, कीला रखेंगे क्या? ले लीजिए, चलो केक काटो। और इसको काटना है? बताइए हम लोग तो इससे क्या क्या क्यों बोले। हाँ काट चुके हैं। ए सीमा, जाओ जाकर माँ को बुलाओ, माँ के साथ खाना खाएंगे। हाँ अभी बुलाती हूँ। एक ग्लास में पानी नहीं, पानी नहीं, पानी पानी नहीं, पानी। हाँ अभी लाई। हाँ गए निकाल। ओ ओ ओ ओ छिड़क। चल आ गए आ गए आ गए। अरे आइए माँ, आइए आइए, माँ को तो मैं अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अरे बेटे तेरे मूड का भी कुछ पता नहीं, कभी गुस्सा कभी प्यार। अरे भाई माँ प्यार करने वाली चीज होती है, माँ खा ले तू। हम चावल खिलाऊंगा, हम चावल खिलाऊंगा, हमारे भी हाथ से खाना होगा। थोड़ा सा पहले खाइए, एकदम खाली खाना, आप भी खा लीजिए खाना, ये लीजिए थोड़ा मीट ले लीजिए, आप भी खाइए थोड़ा सा चिड़िया की तरह। मैंने तो बहुत खाना खा लिया, मुझे तो नींद आ रही है। हाँ मुबारक हो, असर हो रहा है। किस बात का असर? खाना, खाने का असर हो गया, इतना बढ़िया खाना बना तो असर। हाँ, खाना तो बहुत बढ़िया था। हाँ, अब मुझे तो नींद आ रही है। ये छोड़ाते हैं। अरे कौन हो सकता है? तू देख, तू देख। कोई नहीं है, उधर तो आईना लगा हुआ है। अरे हट। क्या हुआ? हम लोग कुर्ते में उधर वर्दी है, ता पुलिस की वर्दी। इन लड़कियों का बस यही तो रोना है, थोड़ी सी देर हो गई दरवाजा नहीं खोल रही, इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। समझ में आया? अरे टपल रो। हाँ। हम चोर या पुलिस? पुलिस। अरे पकड़े गए तो बहुत पीटेंगे बड़े। अरे मेरे पास चाबी है ना मास्टर की, खामा खा हम लोग खड़े हुए। सीमा सो रही हैं, कोई चिंता नहीं हमारी, इनको खाने पे बुलाया था। चलो भैया खुद ही निपट लेते हैं। अरे क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? छह महीने से एक आदमी का बीमा नहीं कर पाया हूँ, बॉस ने अल्टीमेटम दे दिया है कि हफ्ते भर में किसी का बीमा नहीं किया। हाँ। तो मुझे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं जीवन बाबू, नौकरी से हाथ धोने के बारे में भूल जाइए और हाथ धो के वड़ा खाइए, एक्सक्यूज मी, और जरा अपना हाथ तो दिखाइए, बैठिए। ओहो क्या लाइन है राजा। हाँ। अरे बाप रे ये क्या है? क्या? अरे ये इतना बड़ा। हाँ। अब देखो अब मैं उपाय बताऊंगा तो आप लोग मानोगे नहीं, क्या बोल रहे हैं। राजू मेरी बात तो सुनो, शनि भारी है, सुबह शाम बजरंग बली को तिल और तेल चढ़ाना पड़ेगा। हाँ। और उसमें हफ्ता भर पति पत्नी को अलग रहना पड़ेगा, ब्रह्मचारी का पालन भी करना पड़ेगा। ए राजू दो हफ्ते क्या करना पड़ेगा? तुम बरसों के बीच में क्यों बोलती हो? वो तिल और तेल तो ठीक है लेकिन हफ्ता भर? हाँ वो रहना पड़ेगा, वो ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। राजू तुम्हें ज्योतिष विद्या के बारे में सब कैसे मालूम है? 2 साल आचार्य भीमसेन ज्योतिष के पास काम किया है, मैं ग्रहों के साथ और ग्रह मेरे साथ बचपन से खेल रहे हैं। अरे साहब आप लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? क्यों मैं तेरे से पूछकेंगे बे? पूछकेंगे बे? नहीं मेरा मतलब ये नहीं। क्या मतलब? क्या मतलब है तेरा? आपको क्या हो गया साहब? क्यों हम बीमार दिखते हैं? दिखता है? पागल दिखते हैं? दिखता है? औकात में रहिए वरना वर्दी उतार के रेगिस्तान में नंगा दौड़ा देंगे। नंगा? समझ रहे हो? ए बदमाश शरफत कहां है? लॉकअप में। लॉकअप में?
आप ही ने तो कहा था उसे लॉकअप में डालने के लिए। अबे मैंने कब कहा था लॉकअप में डालने के लिए? समझा करी, समझा करी, उसने बोला होगा। किसने? उसी ने। अच्छा, उसने। इन्होंने कहा था ना? हाँ। इन्होंने कहा था ना? हाँ। तो अब हम बोल रहे हैं खोल डालो बेचारे को। खोले 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 खोले। लेकिन आप ही ने तो कहा था उसे डालने के लिए। ए सराफा, तू वही पे रहे, वही पे रहे तू। छोटे, इनने तो मान लिया, तू भी मान ले। कैसी बात कर रहे हो सराफत भाई? ऐसे फालतू बात करते समय बहुत बड़े चमन लग रहे हो यार। चमन की बात नहीं है, इनने मेरे प्यारे से काले कान पे चाटे मार मार के उसे बैग नहीं बना दिया है। अरे क्या बात कर रहे हो सराफत मियां, हम आप पे हाथ उठाएंगे? एक बार नहीं, कई बार उठाया, पूछ लो इनसे। के बस साले हजरत तुम लोग ना ना निकले मुंह से। ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बहुत कड़क पुलिस अफसर हूँ। पिछला रिकॉर्ड मालूम है? मालूम है। अच्छे अच्छे को ठीक कर दिया था मैंने। ये डाकू मोहर सिंह किसने पकड़ा इसको? हम तो उस दिन छुट्टी पर थे। तू बोल बे। मैं वसूली पर। तू बोल। माँ कसम मैंने नहीं पकड़ा। बोल नहीं सकता हूँ, गूंगा हूँ। तुम गूंगा? तुम गूंगा? तो हमारे भी हाथ कटे हुए हैं। तो ऐसे मुकर रहे हैं जैसे हम इन पर कोई इल्जाम लगा रहे हैं। सब के सब मुकरी हैं। चंडू फार्मेसी के लवण भास्कर चूरण है साले। अरे भैया, डाकू मोहर सिंह को हमने पकड़ा। जब मैं मोहर सिंह को पकड़ने निकला तो हम दोनों में जबरदस्त चेस। वो आगे आगे पैदल, मैं पीछे पीछे चीख। वो आगे आगे, मैं पीछे पीछे। अब पक्की खत्म, कच्ची स्टार्ट। मोहर सिंह के पांव छिल गए हमारे आंख में आंसू। दिल देख रहा है? मैंने कहा मोहर भैया तू आके जीप में बैठ जा, जब पक्की आएगी उतर कर भागना, फिर पकड़ूंगा। ये पक्की आते ही मैंने कहा उधर थोड़ी खटारी का चार तेरे बेकार कम। पक्की खत्म, जंगल स्टार्ट। वो भी पैदल, मैं भी पैदल, सामने दलदल। मोहर सिंह एक्सपर्ट कूद करके उस पार, मैंने जंप लगाई गुड़ करके दलदल के अंदर। अब धीरे धीरे मैं दलदल में फंस रहा हूँ, अकेला मैं, ना जानवर, ना इंसान, ना परिंदा। धीरे धीरे दलदल में अंदर धसता चला जा रहा। देख क्या रहे हो, डरने की बात है सालो? डरो? समझ में नहीं आ रहा था अपनी जान कैसे बचाऊं। अचानक एक आइडिया आया, पड़ोस वाले गांव में गया, रस्सी लेकर आया, खुद को निकाला यहाँ। बड़े बहुत लंबा लंबा छोड़ रहे हो, शराफत को तो निकाल ही चुके हैं, इससे पहले वो दोनों आ जाए हम लोग दोनों निकल लें। हाँ ठीक है, लेकिन निकले। अबे मेरे को तो ले चलो। सुनो, कोई आए तो कहना शराफत अली अपने घर पे मिलेंगे, ठीक है? अगर तुम दोनों जैसे 5-7 पुलिस वाले और हो जाएं तो हिंदुस्तान की सब जेलें खाली और सब कैदी आजाद। हाँ। सर आप हमारी बात मानिए, हमने शराफत अली को जेल में कैद करके रखा था। तो क्या ही हवलदार झूठ बोल रहे? बिल्कुल जी नहीं, हम तो बिल्कुल सच कह रहे हैं। सर हम तो अर्जुन सिंह जी की हाँ में हाँ मिलाते थे, ना निकलने पर थप्पड़ मारते थे और प्यारे जी हमेशा इन्हीं का साथ देते थे। सर ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों झूठ बोल रहे हैं। अर्जुन जी बड़ी लंबी लंबी गप्पे हाँकते हैं। मैं हाँकता था? तुम चुप करो। हाँ तुम हाँको। डंडे के जोर पर हमसे हाँ कहलवाते और कहते थे कि डाकू मोहर सिंह को इन्होंने पकड़ा है और कहते थे कि ना ना निकले। मोहर सिंह को गिरफ्तार करोगे? एक मामूली सा मुजरिम तो तुमसे गिरफ्तार नहीं होता। मोहर सिंह को क्या खाक गिरफ्तार करोगे? खैर, मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम दोनों को एक आखिरी चांस दूंगा। तुम्हें पता है कि आधा कोहिनूर हीरा इंग्लैंड में है और आधा हिंदुस्तान वापस आ गया। और जो हिंदुस्तान में आ गया वो एक म्यूजियम में रखा गया ताकि लोग उसे देख सके। गुड। और मैंने डिसाइड किया कि उसी म्यूजियम में तुम दोनों की ड्यूटी लगा दूंगा, लेकिन अगर वहां कोई गड़बड़ हो गई तो तुम मुझे वापस आकर ये मत कहना कि हम वहां नहीं थे। सर आप फिक्र मत कीजिए सर, हम हीरे की हिफाजत अपनी जान से भी ज्यादा करेंगे। क्या कर रहे हो? हाय ब्रदर्स। अरे बैठ जाओ यार, इतनी इज्जत की आदत ही नहीं रही अब तो। हाय ब्रदर, हाउ आर यू? अरे बैठ जाओ यार, खामा का की इज्जत मत दो मुझको। हाय डैड। अरे आवा बिठवा। ओह माय गॉड, कितने दिनों के बाद दूसरे के हाथों की बनाई हुई चाय पी रहा हूँ। ये इतनी सारी भाजी क्या बेचने निकला है? क्या बताओ डैड, जीवन चाचा को भिंडी की भाजी पसंद है, पप्पी चाचा को दूधी की भाजी, मीरा के लिए मैं गाजर का हलवा बनाऊंगा और बाबूजी के लिए मसाले वाले बैगन। टिंग टोंग। अबे और टिंग टोंग, उस बुड्ढे का यहाँ नाम लेगा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। डैड मैंने उनका नमक खाया है। मेरी क्या हवा खाई है तूने? अब आपके नमक में वो नमक कहाँ? हाँ जी, हमारे नमक में वो नमक कहाँ? डैड मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। वो मिस्टर नायक है ना, एजुकेशन मिनिस्टर, उनसे कहिए कि किसी भी तरह से विद्यालय चाचा का ट्रांसफर रुकवा दे। हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, वो बुड्ढा मुझसे हिसाब लेता है। अरे नहीं मुझसे हिसाब लेता है ना। अरे इसको पकड़िए। फॉलो मी डैड, आई मीन हरी, आई एम गोइंग। ओके कंजूस, एक गाजर। हाँ, आप लोगों ने एलआईसी पॉलिसी निकाली है कि नहीं? और अगर निकाली भी है तो एलआईसी एजेंट जीवननाथ के जरिए दोबारा से निकलवाइए 2-2 लाख रुपए की, और उसका प्रीमियम हमारी कंपनी देगी। मैं क्यों दूंगा भाई? इसलिए कि आप गाजर खाएंगे। तंदुरुस्ती की रक्षा करता है गाजर, शर्मा जी गाजर है जहाँ तंदुरुस्ती है वहाँ। अर्जुन सिंह, प्यारे मोहन, देखा हमारा अरेंजमेंट? हाँ, अंदर का अरेंजमेंट तो देख लिया, बाहर की सिक्योरिटी हम देखेंगे। ओके चल प्यारे। अरे तुम लोग फिर अब क्या चाहिए?
हीरे की सुरक्षा जांच करने आए हैं। अरे अभी तो देख कर गए थे, दोबारा फिर तो क्या हो गया? दो बार खाना नहीं खाते, टीवी नहीं देखते, बीवी नहीं देखते? दो बार देखेंगे, दस बार देखेंगे, हजार बार देखेंगे। तुम्हारा काम है दिखाना, दिखाओ। दिखा, आओ हट, खोलो खोलो खोलो। कमिंग। यहाँ पर चारों तरफ हमारे कैमरे लगे हुए। धन्यवाद। जो भी हीरे की तरफ आगे बढ़ेगा उसका फोटो खींच जाएगा। धन्यवाद। लेकिन इसमें कौन सी बड़ी बात है, कोई भी चकमा देकर अंदर आ सकता है। तो क्या हुआ जैसे ही कोई शोकेस लगाएगा चारों तरफ घंटियां बजने लगेंगी, अलार्म बज उठेंगे। धन्यवाद। चिंता की कोई बात नहीं, यहाँ पर डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है, सिक्योरिटी की जांच पड़ताल, घबराने की कोई बात नहीं। अटेंशन, पीछे मुड़। सर वापस जा, 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 जा। जैसे ही चोर इस हीरे को उठाएगा फिर से घंटियां बजने लगेंगी और एक तेज रोशनी यहां से निकलकर उस पिंजरे से टकराएगी जो सीधा चोर की खोपड़ी पे आके गिर पड़ेगा। ओ, ये पिंजरा ऊपर से गिरेगा तो चोर ससुरा चपड़ के ऑमलेट हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या है? ये हीरा दागी है मैं। तो क्या हुआ? अबे हीरे में दरार है। हीरे में दरार? क्या बात करते हो, क्यों हार्ट अटैक देना चाहते हो? दिखाई दे रहा है हीरे में दरार है। क्या क्या बोलता क्या सुन वापस बोल रहे हैं? हां दिखाई नहीं दे रहा, हीरे में दरार है। अबे तू कब कब कर देखता तू? मैं हीरे में दरार आ गया। ऐसा नहीं, मुंडे और हीरा एक लेवल पे आना चाहिए। और आगे ऐसा नहीं, सीधा ये लीजिए। अब आ गया निकाल। अब ये हम हीरा हल्के से हटाएं। रिलैक्स, अंदर डेमोंस्ट्रेशन चल रहा है। भाई साहब मुंडी मत हटाइएगा। क्यों? मुंडी हटाइएगा तो नीचे से पिचकारी निकलेगा। पिचकारी निकलेगा तो ऊपर पिंजरे को छुएगा। पिंजरे को छुएगा तो पिंजरा नीचे आएगा। पिंजरा नीचे आएगा तो आपका ऑमलेट हो जाएगा। ये तो मैंने ही बताया। अरे मुझे कहां फंसा दिया? अरे मेरी बात तो सुनो।